स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लेड स्टोरेज सेल और लेड स्टोरेज बैटरी की स्टडी करेंगे। देखिए, ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है, इसका मैक्सिमम यूज़ ऑटोमोबाइल्स एज वेल एज इन्वर्टर में होता है, ठीक। और ये जो बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी, ये एक सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। अब ये सेकेंडरी सेल क्या होता है, तो देखिए, सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और फिर हम प्रोडक्ट को अगेन, है ना, रिएक्टेंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। कैसे, एक बार फिर से देखिए कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और प्रोडक्ट को अगर हम वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर DC वोल्ट में करंट सप्लाई करते हैं, जिससे प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होते हैं, इनको हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अब देखिए, अब हम बात करेंगे सबसे पहले लेड स्टोरेज सेल। अब देखिए, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि कभी आप लेड स्टोरेज सेल बोलते हैं, कभी आप लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए क्या होता है कि मान लो ये जो आप देख रहे हैं अभी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये लेड स्टोरेज सेल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक कंटेनर है जिसमें दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जिसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। और जब हम इस सेल को, है ना, मान के चलो 3 या 4 या 5 या 6, इनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। तो हम कह सकते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। और सेल क्या होता है, पर्टिकुलर एक, है ना, जो कंटेनर है इसमें दो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो उसको बोलेंगे हम सेल। और अगर हम जब दो या दो से ज़्यादा सेल को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी, ठीक है। अगर हमको 12 वोल्ट की बैटरी ऑप्टेंट करना है तो ऐसे हम 6 सेल को सीरीज में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो 12 वोल्ट की बैटरी हमको ऑप्टेंट हो जाती है, तो उस समय उसको कहा जाता है बैटरी, ठीक। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं इस लेड स्टोरेज सेल को समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले आप एक बात को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक बड़ा सा कंटेनर होता है जो कि फाइबर और ग्लास का हो सकता है, ठीक। इसके अंदर हम 38% डाइल्यूट H2SO4 बाय मास हम डाल देते हैं, ठीक। एक बार फिर से सुनिए, 38% डाइल्यूट H2SO4 बाय मास इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, भर देते हैं, ठीक। इस H2SO4 सॉल्यूशन की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.30 ग्राम पर मिलीलीटर होती है, ठीक। अब इसमें क्या, ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड होता है, ये है ना, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए, ग्रिड ऑफ PBSB, ये जो ग्रिड ऑफ PBSB है ना, इसमें हम लेड यानी स्पंजी लेड को भर देते हैं, है ना। तो ये एनोड की तरह बिहेव करता है, एनोड मीन्स नेगेटिव, ठीक। और फिर दूसरा हमारे पास PBSB की ग्रिड होती है, इसमें हम PbO2 को भर देते हैं, है ना, इसको हम रेड लेड ऑक्साइड भी बोलते हैं क्योंकि इसका रंग लाल होता है ना, ठीक। तो ये अब कैथोड का काम करता है। जब हम इस एनोड और कैथोड को कनेक्ट कर देते हैं, ये देखिए हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है कहाँ से, एनोड से कैथोड की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कहाँ, एनोड से कैथोड की तरफ। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है, वो कहाँ होता है, यानी कैथोड से क्या होगा, एनोड की तरफ, ठीक। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, फ्लो होता है। तो अब आप ये तो समझ गए, लेकिन आपको पता है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसके, ये और ये, इस पर क्या होगा, यहाँ पर
PbSO4 डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रोड पर भी PbSO4 डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे सेल रिएक्शन आगे बढ़ती रहेगी यहाँ पर PbSO4 डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए किस तरह, इस तरह, ये देखिए यहाँ पर PbSO4 डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर भी स्टार्ट हो गया। तो रिएक्शन ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी और जब इसके सॉल्यूशन का, किसके H2SO4 सॉल्यूशन का जब डेंसिटी 1.20 ग्राम पर मिलीलीटर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में इसकी डेंसिटी कितनी थी, 1.30 ग्राम पर मिलीलीटर थी, लेकिन जब रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है चलती रहती है और जब इसकी डेंसिटी 1.20 ग्राम पर मिलीलीटर रह जाती है तो ये सेल अब इलेक्ट्रिसिटी देना क्या कर देता है, बंद कर देता है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं देता है। तो क्या करेंगे अब हम इस सेल को, ये डीसी वोल्ट, ये क्या है बैटरी, यानी कि डीसी करंट पे क्या कर देते हैं इसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने से क्या होता है कि इसमें जो PbSO4 डिपॉजिट है कैथोड, ये एनोड और कैथोड पर, वो वापस से क्या होता है सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है ना, ठीक, और वापस से ये वाला सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, फिर क्या होता है, फिर वही ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम इसको रिचार्ज कर लेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। ठीक है, इन्वर्टर में इसी बैटरी का हम यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल बैटरियाँ जो होती हैं उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सेल है ना, तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो उस समय ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें यहाँ पर कोई बैटरी या कोई डीसी वोल्ट हमने इसमें सप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो सेल होता है जब हम कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, उस समय ये सेल क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ठीक, और जब ये सेल इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर देता है तो वो इस तरह से हमें ऑप्टेड होता है, ये देखिए क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड पर PbSO4 डिपॉजिट हो जाता है। ठीक, फिर जब इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर देगा तो हम इसको बैटरी से क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे, जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो अब ये सेल क्या करता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अब हम इसको क्या कर रहे हैं रिचार्ज कर रहे हैं, किससे, डीसी वोल्ट से या फिर बैटरी से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। दूसरी बात, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर ये जो लेड स्टोरेज सेल है इसका जो वोल्ट होता है वो 2.0 वोल्ट होता है। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 2.0 इसका क्या होता है वोल्ट होता है। ठीक, अगर आप को 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए तो आप क्या करोगे 6 सेल को कनेक्ट कर दोगे, किसमें, सीरीज में, तो आपको क्या मिलेगा 12 वोल्ट की आपको बैटरी ऑप्टेड हो जाएगी। ठीक है, जिसको आप यूज़ करते हैं कहाँ पर, ट्रक, ट्रैक्टर, है ना, बस, है ना, कार, इन सभी में इसका यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में, स्कूटी, स्कूटर, बाइक, ठीक है, इन्वर्टर, इन सब जगह इसका क्या होता है ये यूज़ होता है। अब एक बात स्टूडेंट्स दिमाग में रखिए कि रिएक्शन को आपको रटना नहीं है, जब भी आप इसकी रिएक्शन लिखें तो दोनों डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे, वो ऐसे होना चाहिए कि ये दोनों इलेक्ट्रोड को देखिए, अभी आप इनके इलेक्ट्रोड पर कुछ भी अभी डिपॉजिट नहीं है क्योंकि सेल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। जब सेल रिएक्शन स्टार्ट होती है तो इनके इलेक्ट्रोड पर, ये देखिए और ये देखिए, है ना, एनोड पर और कैथोड पर, दोनों जगह PbSO4 डिपॉजिट होना क्या हो जाता है स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो अब हम इसकी क्या करते हैं सेल रिएक्शन को समझते हैं। ठीक है, ध्यान रखना एक बात बिल्कुल दिमाग में रखना कि इस एनोड पर PbSO4 डिपॉजिट हो रहा है और कैथोड पर भी PbSO4 डिपॉजिट हो रहा है, बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे तो सेल रिएक्शन में मिस्टेक नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं सेल रिएक्शन। ठीक, चलिए देखिए क्या होता है, इसमें एक बात क्लियर है आपके दिमाग में कि ये क्या है, ये पीबी है, ये देखिए पीबी किसका काम करता है एनोड का, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं लूज होते हैं। ठीक है, और ये याद रखना कि पीबी पर क्या डिपॉजिट हो रहा है PbSO4, ये क्लियर। चलिए रिएक्शन देखिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा मैंने 8 एनोड
और यहाँ पर लिखा मैंने ऑक्सीडेशन। आपको पता है कि यहाँ क्या था, ये देखिए ये पीवी सॉलिड था, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, इसने दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लिबरेट कर दिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पीवी टू पॉजिटिव एक्वस का फॉर्मेशन कर लेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये है ना, इसके ऊपर पी वी एस ओ फोर डिपॉजिट होता है। तो पी वी एस ओ फोर डिपॉजिट होता है, इसका मतलब क्या निकला कि ये एस ओ फोर से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखिए इस पी वी टू पॉजिटिव को फिर से लाते हैं, ये हम पी वी टू पॉजिटिव को हम फिर से लाएं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो एच टू एस ओ फोर है इसको मैं आयोनाइज कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कैसे, ये देखिए 2H पॉजिटिव में और साथ में ये देखिए SO4 2 नेगेटिव में आयोनाइज कर लिया। अब इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ ले रहा हूँ ये SO4 2 नेगेटिव और 2H को मैंने वहाँ रहने दिया। ये देखिए मैं लाया इसको SO4 2 नेगेटिव एक्वस ये लाया। ठीक, आपको पता है ये हो गया इतना। ठीक, अब ये क्या करेगा, 2+2- ये न्यूट्रल हो गया और ये पी वी एस ओ फोर का फॉर्मेशन कर लेगा। ये देखिए पी वी एस ओ फोर सॉलिड का फॉर्मेशन इसने कर लिया। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन इस एनोड पर कितनी हुई, कैसे हुई, तो देखो ये टू इलेक्ट्रॉन से, ये माफ करना, ये टू इलेक्ट्रॉन तो इसके रहेंगे, सॉरी ये गलती से कट गया मुझसे, तो ये टू इलेक्ट्रॉन ये पी वी टू प्लस से पी वी टू प्लस काटना था। ये देखिए पी बी टू प्लस से मैंने पी बी टू प्लस काट दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा पी वी सॉलिड और यहाँ पर ये देखिए एसओ फोर टू नेगेटिव एक्वस। ठीक, और यहाँ एरो के बाद ये देखिए पी बी एसओ फोर सॉलिड और ये इलेक्ट्रॉन, ये टू इलेक्ट्रॉन, ये काटते नहीं है ये, है ना, याद रखिएगा ये टू इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे। ये देखिए ठीक, तो ये रिएक्शन जो आपने देखी ये कहाँ हुई, एनोड पर। ठीक, अब हम बात करेंगे कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर आपको पता है कि कैथोड पे ये देखिए कौन है, ये पी वी ओ टू। ठीक है, इस पर क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, सिर्फ आप यही जानते थे अभी तक क्या कि इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो शायद थोड़ा कम जानते थे आप, लेकिन अब ये बात जरूर दिमाग में रखना कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन तो गेन होते ही हैं, साथ ही साथ एच पॉजिटिव भी गेन होते हैं और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होता है, गेन होता है। आज से दिमाग में बिठा लो आप क्या कि इलेक्ट्रॉन तो गेन होते हैं, एच पॉजिटिव भी गेन होता है और वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होता है, गेन होता है। ठीक है, यस। अब देखिए कैसे, आपको पता है यहाँ पर आपने देखा कि इसको अगर आप देखें यहाँ पर, ये देखिए पी बी ओ टू जो कि सॉलिड है ना, तो यहाँ क्या हुआ कि ये आपको पता है कि इसके इलेक्ट्रोड पर भी ये देखिए यहाँ पर पी बी एस ओ फोर डिपोजिट होता है, इसका मतलब ये भी एस ओ फोर टू नेगेटिव से रिएक्शन करेगा, है ना। तो अब एक काम करते हैं, ये पहले वाला एच टू एस ओ फोर था जिसको हमने ब्रेक किया था, तो उसमें से हमने एस ओ फोर टू नेगेटिव ले लिया। ठीक है, एक बार और दूसरे में एच टू एस ओ फोर को ब्रेक करता हूँ आपके लिए, ये ब्रेक कर दिया, फिर ये टू एच पॉजिटिव और साथ में मैं एसओ फोर टू नेगेटिव ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसमें से एसओ फोर टू नेगेटिव ले रहा हूँ। ठीक, ये देखिए ये ले लिया मैंने, ऐसे ले लिया। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं लेकिन एच पॉजिटिव भी गेन होता है और वाटर भी गेन होता है। तो आप जरा देखिए यहाँ पर एच पॉजिटिव कितने हैं, टू ये है और टू ये है, टोटल कितने हो गए, फोर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर फोर एच पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, ये लिख दिया। और ये इलेक्ट्रॉन ये वाले ये रिडक्शन में क्या होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, तो इनको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब आपकी ओवरऑल रिएक्शन कितनी हो गई, ये हो गई। अब देखिए टू नेगेटिव टू नेगेटिव, फोर नेगेटिव और ये फोर पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, चार्ज खत्म हो जाएगा। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये देखिए ये पी बी भी इस एस ओ फोर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, पी वी एस ओ फोर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि पी वी एस ओ फोर इसने बना लिया जो कि सॉलिड होता है। अब यहाँ कितना बचा, ऑक्सीजन टू और हाइड्रोजन कितने बचे, फोर। तो ये देखिए साथ में क्या बन गया, ये टू एच टू बन गया। ठीक है, ये देखिए बन गया जो कि लिक्विड होता है।
अब आप ये देखिए कि ये वाली रिएक्शन कब हुई थी कैथोड पर, ये वाली माफ करना, ये वाली रिएक्शन कब हुई थी एनोड पर, और ये वाली रिएक्शन कब हुई थी कैथोड पर। अब हम क्या करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। ठीक डियर, तो देखिए जरा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टोटल रिएक्शन, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं नेट रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये देखिए लिख रहा हूँ मुझे ले ली। ठीक, अब क्या होगा जब आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं डिस्कार्डेड हो जाते हैं, ये टू से टू इलेक्ट्रॉन क्या हो गए कट गए। अब इन दोनों को एक साथ लिख लो, देखो कैसे लिखते हैं, ये पी बी लिख लो पहले, पी बी सॉलिड, फिर ये लिख लो पी बी ओ टू, तो प्लस पी बी ओ टू सॉलिड। अब ये देखिए एक एस ओ फोर टू नेगेटिव ये है, एक एस ओ फोर टू नेगेटिव ये है, तो यहाँ लिख लो टू एस ओ फोर टू नेगेटिव एक्वस, ये लिख लिया आपने। फिर ये फोर एच पॉजिटिव लिख लो, तो आपने क्या किया ये फोर एच पॉजिटिव एक्वस, ये भी लिख लिया। इधर का देखिए पी बी एस पी बी ओ टू एस ओ फोर टू हो गए और फोर एच पॉजिटिव, ये पूरा क्लियर हो गया। अब एरो के इस तरफ देखिए क्या बचा है, ये देखिए पी बी एस ओ फोर ये बचा है, ये भी बचा है, तो इसको हम एक साथ क्या लिख सकते हैं टू पी बी एस ओ फोर, ये लिख दिया मैंने। ठीक, जो कि सॉलिड होता है, और साथ में देखिए यहाँ पर क्या है ये वाटर मोलिक्यूल। ठीक, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये टू एच टू ओ लिख दिया। ठीक, तो ये इसकी हो गई क्या ओवरऑल रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं एट डिस्चार्ज ड्यूरेशन, क्या बोलते हैं एट डिस्चार्ज ड्यूरेशन। ठीक है, जब सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है तो सेल में ये वाली रिएक्शन होती है जो कि आपको यहां पर नजर आ रही है। ठीक, अब क्या होगा, मैंने बताया डेंसिटी 1.30 ग्राम पर मिलीलीटर से, अब डेंसिटी बची है 1.20 ग्राम पर मिलीलीटर और सेल डेड हो चुका है, अब सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, अब आप उस सेल को डीसी वोल्ट से कनेक्ट कर दोगे, है ना, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें सप्लाई करोगे। तो क्या कैसे सप्लाई करोगे, जरा देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। ये देखिए ये अब आपने क्या किया उस सेल को, ये बैटरी यानी कि डीसी करंट, यहाँ पर डीसी लिखना पड़ेगा, डीसी करंट से क्या कर दिया आपने उसको कनेक्ट कर दिया। अब आपको पता है कि डीसी करंट है उसमें इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ क्या होता है नेगेटिव, तो ये अब क्या है एनोड है और ये क्या है कैथोड है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है आपको, कैसे देखो मैं आपको एक बार बहुत अच्छे से क्लियर करूं, इसी पेज पर क्लियर कर देता हूं। देखो इसमें थोड़ा सा याद रखना कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, कैसे होता है इधर ऐसे होता है, लेकिन जब आप उसको बैटरी से कनेक्ट करते हो डीसी वोल्ट से कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है अब आपको कैसा रखना है, इस तरफ रखना है ऐसे, और आपको ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है एनोड से हमेशा कैथोड की तरफ होता है, ये देखिए एनोड था और ये क्या है कैथोड। अब जब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अब एनोड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कैथोड हो जाएगा, तो जो भी सेल रिएक्शन होती है अब वो क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी, यानी कि उल्टी रिएक्शन होने लगेगी। कैसे देखो बताते कैसे, देखिए यहां पर जो अभी आपने देखा एट एनोड ऑक्सीडेशन है, तो यहां पर आप लिख सकते हो एट कैथोड और रिडक्शन, क्यों, क्योंकि रिएक्शन उल्टी हो रही है, अब रिएक्शन क्या होगी रिवर्स में जाएगी। अब कैसे, ये सारे एरो आप क्या कर सकते हो पेंसिल की हेल्प से आप उल्टे लगा सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये सब उल्टे साइन लगा दो, यहाँ पर भी सब अपोजिट साइन लगा दो आप। ठीक है, क्योंकि अब एट एनोड ऑक्सीडेशन पहले हुआ था, अब हम इसको बोलेंगे एट कैथोड रिडक्शन, और जो पहले एट कैथोड रिडक्शन था अब हम इसको बोलेंगे एट एनोड ऑक्सीडेशन, क्योंकि अब रिएक्शन क्या हो गई अपोजिट। देखो कैसे, इसको देखिए यहां से, ये देखो ये क्या हो गया, अब एनोड ये है और कैथोड कौन है ये, तो रिएक्शन उल्टी होगी ना भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा अब ऐसे होगा, और पहले क्या था, पहले एनोड ये था कैथोड ये था, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या था इधर था। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम बोलते हैं एट रिचार्ज, कौन सी रिएक्शन बोलेंगे डियर इसको हम, एट रिचार्ज, तो
तो चलो इसकी रिएक्शन को समझते हैं। ये देखिए डियर, एट रिचार्ज, रिचार्ज। तो रिचार्ज के टाइम पर क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि ये देखिए ये कौन है, अभी एनोड है, और ये कौन है, कैथोड, है ना। तो ये पहले एनोड था, ये कौन था, कैथोड। तो इसकी रिएक्शन है ना क्या हो गई, इस डायरेक्शन में होगी, है ना। ये एनोड है, ये कैथोड, इसलिए। तो चलो इसकी रिएक्शन को देखो, देखो यहां पर अच्छे समझ लो, ये एट एनोड है और ये क्या, ऑक्सीजन लिखा आपने, तो इसको अब आप पेंसिल के थ्रू क्या लिखोगे, एट कैथोड रिडक्शन। फिर इसको पेंसिल से क्या लिख लोगे आप, एट एनोड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये पेंसिल से लिखना है आपको ताकि आपके लिए इजी रहे। और रिएक्शन में क्या करेंगे आप, एरो पेंसिल से अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे ताकि आपको लिखने में इजी हो। आपको ये तो पता है जब भी हम सेल रिएक्शन लिखते हैं तो कौन सी लिखते हैं, ऑक्सीडेशन वाली। तो अब ये पेंसिल से आपने क्या लिख लिया इसको, एनोड और ऑक्सीडेशन। तो चलो इसको पहले लिखते हैं, ठीक डियर। देखिए यहां पर मैं इसको पहले लिख रहा हूं, ये हो जाएगा एट एनोड, और एनोड पर क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीडेशन। तो अब ये जो कैथोड आपने लिखा है, अब ये क्या बन चुका है, एनोड। तो पहले हम इसको लिखेंगे, चलो लिख लो, PbSO4, ये हो जाएगा सॉलिड, ये लिखा मैंने, ठीक। फिर लिखेंगे अब यहाँ पर क्या, ट्वाइस H2O, ये लिख दिया मैंने लिक्विड, एरो मार दो। फिर हम इसको लिख लो पूरे को, ये हो जाएगा PbO2 सॉलिड, फिर SO4 2 नेगेटिव एक्वस, और फिर प्लस, ये देखिए प्लस क्या, 4H पॉजिटिव, 4H पॉजिटिव एक्वस, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन थे इसको लिख लो, ये इलेक्ट्रॉन हमने लिख लिए। तो ये हो गई अब एनोड पर रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, एट कैथोड की बात करते हैं, एट कैथोड। और कैथोड पर डियर आपको पता है क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन में है ना, ठीक है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं। तो चलो अब हमारे पास कैथोड कौन है, ये जो एनोड है वो क्या बन चुका है, कैथोड। तो इसकी ये वाली रिएक्शन लिखना है, ये नहीं लिखना है, कौन सी लिखना है, ये वाली। तो चलो पहले इसको लिखते हैं, देखिएगा ये तो याद रखना है इसको, ये लिख के फिर एरो मार के ये लिखना है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा PbSO4 सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, और उसके जस्ट बाद ये वाली रिएक्शन लिखना ना आपको। तो देखो ये हो जाएगा PB सॉलिड, और फिर SO4 2 नेगेटिव, SO4, ये देखो SO4 2 नेगेटिव एक्वस, ये देखिए, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन डिस्कार्डेड कर दो, अब एक साथ सबको लिख लो, है ना, यहाँ से लिख लो, चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो क्योंकि उल्टा एरो मार के रिएक्शन लिखना है, लिख लो वही, ये जो है वही तो इधर से आएगी, बात तो एक ही है ना भाई। तो देखो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 2 PbSO4, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, ये ट्वाइस H2, ये वाला, अब तो इधर कुछ बचा नहीं, एरो मार दो, फिर यहाँ लिखो PbS, फिर इसको लिख लो PbO2 सॉलिड, फिर SO4, तो यह हो जाएगा क्या, 2 SO4 और 2 नेगेटिव। देखो ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब क्या बचा है यहाँ पर, 4H पॉजिटिव, तो प्लस 4H पॉजिटिव एक्वस, ये देखिए रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको यहाँ क्या क्या हुआ, ठीक है। अब देखो एक बात, आप जब ये वाली रिएक्शन कर लेते हैं, कौन सी, ये इसको देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इसकी रिएक्शन कौन सी है, मैंने बताई थी आपको ये वाली रिएक्शन बताइए, ठीक, ये एनोड कैथोड। जब आप उसको डीसी वोल्ट से कनेक्ट करते हो तो ये जो एनोड है अब वो कैथोड हो जाएगा, जो कैथोड है वो एनोड हो जाएगा, ठीक। और रिएक्शन हमेशा क्या होगी, सब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि ये जो एरो है पेंसिल से इसको ऐसे बना देना, इसको ऐसे बना देना और लिख लेना, और बाद में रबर से उसको हट रिमूव कर देना, बस। तो क्या हो जाएगा, आपको ये सेल रिएक्शन लिखने में इजी लगेगा, ठीक है। तो ये जो भी अभी आपने पढ़ा, ये इसको हम लोग बोलते हैं लेड स्टोरेज सेल और लेड स्टोरेज बैटरी। सेल मीन्स सिंगल, बैटरी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल
तो लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है अपना। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम स्टडी कर रहे हैं फ्यूल सेल। ये जो फ्यूल सेल है ये एक इलेक्ट्रिकल सेल है। द डिवाइस इन विच कंबशन एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल सेल। द डिवाइस इन विच कंबशन एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल सेल। तो ये जो सेल हम देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन, मैथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका हम कंबशन करते हैं। तो कंबशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस सेल को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्यूल सेल। ठीक, एक बार फिर से देखिए, द कंबशन एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल। अब देखिए इसमें होता क्या है। सबसे पहले देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, ये भी पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। अभी जो पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होते हैं इनमें हम स्मॉल अमाउंट में या तो प्लेटिनम ले लें या फिर सिल्वर ले लें या फिर कोबाल्ट ऑक्साइड ले लें। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम, सिल्वर और जो कोबाल्ट ऑक्साइड है वो एज ए कैटलिस्ट ट्रीट करता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक, अब यहाँ देखिए कि ये एनोड है, ये कैथोड है। हम इस एनोड पर इस हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे। हाइड्रोजन पास कर सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, मैथेन, कुछ भी फ्यूल गैस आप एनोड पर पास कर सकते हो। दूसरा, ऑक्सीजन को आपको कैथोड पर पास कराना है। ठीक, अब क्या होता है, इस एनोड और कैथोड के मिडल में हम एक्वस कंसंट्रेटेड KOH और NOH सॉल्यूशन को यहाँ पर भर देते हैं। ठीक, फिर इस एनोड और कैथोड को हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें कि 525 केल्विन टेम्परेचर और 50 ATM प्रेशर पर हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस को और यहाँ से O2 गैस को, है ना, पास करते हैं। कहाँ? इस एक्वस कंसंट्रेटेड KOH और NOH सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर क्या होता है, H2 और O2 दोनों की बबलिंग होती है। ठीक है, क्या होती है, यहाँ पर बबलिंग होती है। तो होता क्या है, आपको पता है ये एनोड है। ठीक है, तो एनोड पर ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ये O2 है, ये कैथोड पर क्या होगा, रिड्यूस होगा। यानी कि यहाँ देखिए एनोड की बात आ रही है ना, तो चलो हम रिएक्शन करते हैं इसकी। ये देखिए 8 एनोड, आपको पता है एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज होते हैं। लेकिन एक बात जरा ध्यान रखना कि आपने मिडिल में क्या लिया है, एक्वस कंसंट्रेट NaOH और एक्वस कंसंट्रेट KOH। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो NaOH और KOH लिया है आपने वो इस तरह से आयोनाइज होता है। ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये KOH है, इसको आप इस तरह से आयोनाइज कर सकते हो। कैसे, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्योंकि ये KOH है या NaOH है यही रिएक्शन को जनरेट करता है। आगे रिएक्शन को क्या कराता है, प्रोसीड कराता है। देखिए कैसे, यहाँ पर 8 एनोड है, ऑक्सीडेशन है, तो थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर 4OH नेगेटिव ले लो। ये कहाँ से ऑप्टेड हुआ है आपको, KOH और NaOH से। फिर यहाँ पर कौन है, एनोड पर H2 गैस, आप यहाँ पर H2 ले लो, ये आपने H2 ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए एक बात को जरा सुनने की कोशिश करना। यहाँ पर जैसे आप 4OH नेगेटिव ले रहे हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप 2H2 ले सकते हो। ठीक, अब क्या होगा, आप इसकी रिएक्शन करा दो। ठीक, तो 4 + 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा। जिसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। अब 4 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन कितने,
2 2 = 4 और 4 8, तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, 4 H2O का फॉर्मेशन कर सकते हो। ये आपने 4 H2O का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये तो एनोड था, अब ये कौन है, कैथोड। कैथोड पर कौन सी गैस भेज रहे हो आप, O2। तो चलो हम बात करते हैं, अब 8 कैथोड, ये कैथोड। कैथोड पर क्या होता है डियर, रिडक्शन। तो यहां पर आप कर दो ये रिडक्शन। अब कैथोड पर था कौन, ऑक्सीजन, तो आपने यहां पर O2 लिख दिया। अब मैंने आपको कहा था इसी वीडियो में, जब हम लेड स्टोरेज सेल और लेड स्टोरेज बैटरी की स्टडी कर रहे थे, कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ये आप जानते थे। लेकिन आज से आप ये भी जान गए कि इलेक्ट्रॉन तो गेन होते हैं रिडक्शन में, एच पॉजिटिव भी गेन होता है, एज वेल एज H2O भी क्या होता है, गेन होता है। तो यहाँ पर ये जो वाटर मोलिक्यूल है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गेन हो जाएंगे। तो बुलाओ जरा इसको नीचे, है ना, ठीक है, आप इसको यहाँ पर बुला लो। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए 2H2O ले लेते हैं, बताइए क्यों। ये 2H2O हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन हम पूरे के पूरे इसके ले लेते हैं, ये पूरे इलेक्ट्रॉन हमने इसके ले लिए। आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि आपको याद होना चाहिए जो भी हम लेते हैं वो हमें लास्ट में क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। आपने OH नेगेटिव लिया था किससे, KOH और NaOH से, तो देना पड़ेगा ना भाई, है ना। तो देखो H कितने होगा, 2 2 = 4, और ऑक्सीजन भी 4 होना चाहिए, तो ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, है ना, और 4 नेगेटिव, तो इसलिए हम 4 इलेक्ट्रॉन यहां से लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 OH नेगेटिव ये बनकर तैयार हो गया, ठीक। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखिए, ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, कर दिए। अब ये 4 OH नेगेटिव से 4 OH नेगेटिव कैंसिल कर दो, कर दिए। अब क्या होगा, 2H2O से 4H2O कैंसिल कर दो, तो यहां पर अभी भी 2H2O बचे रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक। अब इन सबको एक साथ लिख लो, तो ये देखो 2H2 + O2, तो ये देखिए 2H2, ये 2H2 हो गया, और प्लस O2, एरो मार दो, और यहां क्या हो जाएगा, 2H2, ठीक है। आपने देखा यहां पर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ये जो एक्वस कंसंट्रेट NaOH और KOH है, इसमें ऊपर की तरफ क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जिससे बल्ब क्या होता है, बर्न होता है, बल्ब जलने लगता है, ठीक है। इसका वोल्ट कितना होता है, यस ये भी सही बात है, इसका वोल्ट होता है 1.229 वोल्ट, ये इसका वोल्ट होता है, ठीक। अब ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल कभी भी डेड नहीं होता, क्यों, इधर से आप H2 और O2 गैस पास करते रहोगे तो ये सेल हमेशा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये सेल जो है पोल्यूशन फ्री सेल है, ठीक है। नंबर थर्ड, ये जो सेल होता है इसकी इफिशियंसी होती है 70 to 75%, 70 से 75% के बीच इसकी क्या होती है, इफिशियंसी होती है। जो अदर कन्वेंशनल मेथड है जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोयले को बंद करना, ठीक है, डैम बनाकर, है ना, वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, तो जो अदर कन्वेंशनल मेथड है उनकी इफिशियंसी ओनली 40% होती है, मगर इसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा कितनी होती है, 70 से 75%। एक बात और, इस सेल का यूज़ एस्ट्रोनट्स ने अपोलो स्पेस प्रोग्राम में किया था, और इस सेल का यूज़ उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए किया था। साथ ही साथ में उनको यहाँ से वाटर वेपर्स मिली, उसको उन्होंने कंडेंस कर लिया और वाटर को एज ए ड्रिंकिंग पर्पस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेन उनका टारगेट क्या था, कि इस सेल को सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए ही वो लोग लेकर गए थे, ठीक। तो ये जो सेल है, ये फ्यूल सेल, आपको समझ आया होगा, दिस इज़ द वेरी वेरी सिंपल, दिस इज़ द वेरी वेरी इजी। देखो फ्यूल सेल है ना, बहुत सारे फ्यूल सेल होते हैं, मगर जो आप फ्यूल सेल अभी आप पढ़ रहे हो उसका नाम है H2O2 फ्यूल सेल। इसका नाम क्या है, H2O2
O2 फ्यूल सेल। तो यहां पर आप लिख सकते हो H2O2 फ्यूल सेल, ये देखो। ठीक है, तो इस सेल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, काफी इजी है। ठीक है, चलिए